विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बरेली में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इस समय हम बरेली की फरीदपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ बसपा की प्रत्याशी शालिनी सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मैडम, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, माननीय बहन जी ने मुझे बसपा से प्रत्याशी बनाया है यहाँ पर, और मैं यहाँ लंबे समय से काम कर रही हूँ क्षेत्र में, और मैंने देखा है क्षेत्र की में विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे आपका जैसे भाई शिक्षा की समस्या है। हमारी जो लड़कियां हैं वो इंटर के बाद में उनको कहीं बाहर जाने की शिक्षा नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे यहाँ पे IIT जैसा कॉलेज कोई खोला जाए, जिससे कि हमारी लड़कियां जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करके अपना कैरियर बना सकें। हमारे युवाओं के लिए देखिए, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी इस तरह की कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, जिससे कि उनको रोज़गार मिल जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी, अगर मैं चुन के जाती हूँ तो उनके लिए रोज़गार लाऊँ, यहाँ पे कोई फैक्ट्री जैसा विकल्प लेके आऊँ, जिससे कि उनको रोज़गार मिले। एक बात यह है कि जैसे आप समाज सेवा करने में आई हैं, राजनीति में आई, तो राजनीति को ही क्यों चुना, कोई और दूसरी फील्ड में जाके भी समाज सेवा का काम कर सकती हूँ? देखिए, मैं पहले से भी समाज सेवा का काम करती आई हूँ, अपने भाई मतलब समाज के लिए तरह तरह के अपने काम करती रहती हूँ, लेकिन चूंकि ये कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, देखिए राजनीति का मतलब है समाज सेवा, राजनीति का ही का भी मतलब है समाज सेवा, बशर्ते कि लोग उसको अपने हित के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई पद है तो आप किसी का भी अच्छे से काम करा सकते हैं, कर सकते हैं। आप राजनीति में हैं तो भाई ऊपर आपका विधानसभा सत्र में आपने देखा कि विधायकों के लिए एक बुकलेट जैसी मिलती है, तो उसमें तरह तरह के काम होते हैं क्षेत्र के लिए, वो काम ला के आप क्षेत्र में भाई विकास करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पद है तो लोगों का आप बेहतर से भाई उनका साथ दे सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई किसी तरह की कोई पावर है तो उसका इस्तेमाल करके, बस करते हैं कि उसको सही इस्तेमाल किया जाए, मतलब ये नहीं कि भाई आप अपने हित के लिए इस्तेमाल। इस चुनाव में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं भी खूब प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहन जी जो है वो इस बार प्रचार नहीं कर रही, कितना फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, बहन जी अपनी रणनीति बैठ के बना रही हैं, वो हमारे जैसे अच्छे प्रत्याशियों को उन्होंने चुना है और हम लोग पार्टी के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में बहन जी के भी कार्यक्रम जगह जगह लगेंगे और वो भी अपना काम करेंगे। और आप बाकी आप उठा के देखिए, BSP भी कहीं ना कहीं लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे मौजूदा विधायक है, उनसे किस तरीके से उनको आप टक्कर दे पाएंगी यहाँ पे अपनी विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का क्षेत्र में बहुत विरोध है, हमारी जनता में बहुत विरोध है। अब आप लोग घूमेंगे तो आप लोग खुद ही देखेंगे, और चूँकि मैंने देखी अभी तक काफ़ी समय से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, और काम सबसे ज़्यादा है, और क्षेत्र में जनता का सबका काम करती हूँ, उनका हर तरह से ध्यान रखती हूँ, इसलिए मैं अपने मेहनत पे और जनता के बीच में बराबर बने रहने पे कोशिश करूँगी कि मैं उनको टक्कर दूँ। और पूरी मेरी फरीदपुर जो विधानसभा है, ज़्यादातर हिस्सा इसका ग्रामीण इलाका है, तो क्या समस्याएं आपको क्षेत्र में घूमती होंगी, तो किसान लोग बताते हैं उनका सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी गायों की समस्या, जो हमारा किसान कहता है कि भैया देखो, दिन में भी ना सो पाएं हम, रात में भी ना सो पाएं। भाई दिन में आदमी काम करता है, रात में अपने खेतों को रखाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, मैंने देखा है गाँव में। अब इन्होंने गायें छुड़वा दी हैं, सब करवा दिया, लेकिन आप देखिए कितनी कट रही हैं बेचारी। अब किसान तार लगा देता है तो उससे भी कट रही हैं, है ना। दूसरी समस्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको खाद देखिए कितनी महंगी मिल रही है, सिंचाई के साधन नहीं है भाई उनके पास, तो किसानों की हमारी बहुत सारी समस्याएं, जिससे कि हमारा किसान त्रस्त है। और आपने देखा ही अभी किसानों का कितना बड़ा आंदोलन भी चला था भाई। तो बाकी गाँवों में देखिए, सड़कों की व्यवस्था है यहाँ, और मेन व्यवस्था यहाँ पे एक कोटे की भी बहुत चल रही है, जो कि हमारी क्षेत्र की जनता त्रस्त है। तो अगर मुझे जनता मौका देती है तो ये सारी समस्याएँ मतलब ख़त्म करूँगी। मैं अपने लिए राजनीति नहीं, अगर मुझे जनता ने बनाया तो मैं जनता के लिए राजनीति करने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बसपा की प्रत्याशी शालिनी सिंह जी, जो बता रही थी कि वो क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी। दीपक कुमार के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।